गरीब दादी और तीन पोती ने खाया अमीर वाला खाना। जानकी नाम की एक बुढ़िया अपनी तीन पोती अंजलि, कीर्ति, श्रेया के साथ रहती थी। वो अपनी पोती का काफी समय से ख्याल रख रही थी। दरअसल एक हादसे में उसके बहू बेटे चल बसे, तब से वो अपनी पोतियों को पाल पोस रही थी। अपनी बूढ़ी आंखों और कमजोर हाथ पैरों के बलबूते पर भी वो दूसरे के घर जाकर झाड़ू पोछा का काम करती है। ऐसे ही शाम के समय मालकिन शिवानी उससे कहती है, अरे ओ अम्मा, यहाँ हाथ पर हाथ रखकर क्यों बैठी हो? तुम्हें काम वाम दिया था मैंने, वो हो गया क्या? बर्तन साफ हो गए? हाँ हाँ बेटा, मैंने बर्तन साफ कर दिए, रसोई साफ कर दी। मैं थक गई थी तो थोड़ी देर बैठ गई, इसीलिए मुझे पता है शाम का टाइम हो गया है, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। एक तो बढ़िया हो आप, इतने धीरे धीरे काम करती हो। मेरी चुप्पी का फायदा मत उठाइए, मुझे कहना ना पड़े, काम समय पर कर दिया कीजिए। मेरा बस चले तो मैं आपको काम पर रखूं ही ना, कछुए की तरह करती हो। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत बोल, तू तो जानती है मुझे अपनी तीन पोतियों को देखना पड़ता है, होता नहीं है मुझसे, लेकिन उनके लिए तो जीना ही है मुझे। मैं तुझे शिकायत का मौका नहीं दूंगी, दो मिनट रुक, अभी अदरक वाली चाय बनाकर लाती हूँ। बस इसी बात की वजह से मैं आपसे कुछ ज्यादा कहती नहीं हूँ, लेकिन काम तो आपको करना पड़ेगा, अगर पैसे चाहिए तो, मुफ्त का खाना तो किसी को नहीं पछता। ये सुनकर बुढ़िया चाय बनाकर शिवानी को पिलाती है, जिसे पीकर वो कहती है, आहा, बस आपकी हाथ की बनी अदरक वाली चाय पीकर मुझे बड़ा सुकून मिलता है, और आपका बनाया हुआ खाना भी बहुत अच्छा होता है, इसीलिए मैं आपको कुछ कहती नहीं हूँ ज्यादा। शाम हो गई है, जाइए आप अपने घर जाइए। ठीक है, खाना मैंने बना दिया है और थोड़ा सा खाना बच रहा है तो मैं ले जाऊं? नहीं अम्मा, आज मेरी बहन आ रही है तो वो खा लेगी, आप फिर कभी ले जाना। ये कहकर जानकी अपने घर चली जाती है, जहाँ उसकी पोतियाँ बेसब्री से इंतजार कर रही थीं। दादी आ गई, दादी आ गई। दादी, आप हमारे लिए कुछ खाने की चीज लाए हो? हाँ दादी, बहुत भूख लगी है, चार पांच घंटों से हमने कुछ नहीं खाया। नहीं बच्चों, मैं कुछ लेकर नहीं आ पाई, मालकिन के घर उनकी बहन आ गई ना, मैं खाना बना देती हूँ, जल्दी से थोड़ी देर बस रुको। ऐसा कहकर दादी अपने घर में बचे कुचे एक दो मुट्ठी दाल और चावल को लेकर पानी डालकर पतली वाली खिचड़ी बना लेती है, जिसे खाकर बच्चे कहते हैं, दादी ये तो बहुत पानी वाली खिचड़ी है, दाल भी कम है और अच्छी नहीं बनी दादी, ये नहीं खाना हमें, इतने दिन से आप हमें अजीब अजीब सा बोरिंग खाना खिला रही हो, कुछ अच्छा बना दो ना, हमारे दोस्तों बर्गर पिज्जा खाते हैं, आज सोनू की मम्मी उसके लिए पैटीज लेकर आई हैं। दादी आप हमें कब खिलाओगे ये अमीर वाला खाना? हाँ दादी बताइए ना, हमें भी एक अमीर वाला खाना खाना है। अरे बेटा अभी पगार आने में वक्त है, थोड़ा सब्र करो, और घर का राशन, तुम्हारे स्कूल की फीस भी तो देनी है। अमीर वाला खाना तो मैं खिला दूंगी तुम्हें किसी दिन जब पैसे होंगे, फिलहाल ये खा लो वरना पेट में दर्द होगा। ठीक है दादी, हम ये खा लेंगे, इसके बाद आप हमें लोरी सुनाना। ठीक है बच्चों। ये कहते ही बच्चे खाना खा लेते हैं, फिर जानकी उन्हें लोरी सुनाती है। चंदनिया छुप जाना रे, छन भर को लुक जाना रे, बिटिया मेरी सो जाए, नींदी आंखों में आ जाए, लोरी 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 लोरी। चलो तीनों सो गई, मेरी पोतियां अमीर वाला खाना मांग रही हैं, मुझे इनकी ये इच्छा पूरी करनी ही होगी, क्योंकि उनके माता पिता नहीं हैं, तो ये आस मुझसे लगाती हैं। ऐसा कहकर बुढ़िया सो जाती है। अगले दिन से वो मेहनत करके अपनी मालकिन के यहाँ काम करती है, और वहाँ का खाना बच जाया करता था तो घर लाकर अपनी पोतियों को खिलाती थी। उसे जो पगार मिलती है उससे वो घर का थोड़ा सा राशन ले आती है, और बाकी पैसों से अपने पोतियों की स्कूल फीस भर देती है।
वो बहुत कोशिश करती है कि उनके लिए थोड़े से पैसों से जलेबी, रबड़ी या समोसे ले आई, लेकिन बदकिस्मती तो उसके साथ थी। ऐसे ही जब तीनों पोतियां घर के बाहर खेल रही थीं, तो सामने का बच्चा सोनू जलेबी खाते हुए खाकर कहता है, आहा, मजा आ गया, कितनी गरम गरम करारी जलेबियां हैं। तुम तीनों ने तो कभी ये सब खाया ही नहीं होगा, है ना? पता है, परसों मैंने छोले भटूरे खाए थे और आज मम्मी ये लेकर आई हैं। अब कल मैं रेस्टोरेंट में जाऊंगा, माँ के साथ पिज्जा खाऊंगा। वैसे तुम्हारी मम्मी पापा तो है नहीं, तो तुम्हें ये सब दिला सके, और वो बूढ़ी दादी, वो बेचारी चाहेंगी तो भी कैसे दिलाएंगी तुम्हें। तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की? और वैसे भी सोनू, हमने तुझसे किसी भी तरह की राय नहीं मांगी। जो तू कह रहा है, अगर तू ये सब खा रहा है तो अच्छी बात है, एक दिन हम भी अमीर वाला खाना खाएंगे, तो देखना। ओहो, बुरा लगा बुरा लगा। जिसको बुरा लगता है ना, वो वैसे ही डींगे हाँकता है। मैं तो चला और गर्मा गर्म जलेबियां खाने। ये कहकर सोनू चला जाता है, जिससे तीनों बहनों को बहुत बुरा लगता है। वहीं जानकी की हालत कमजोर हो रही थी, जिस वजह से वो धीरे काम करती थी। इसी बात की वजह से एक दिन शिवानी कहती है, बस अम्मा, बहुत हो गया तुम्हारा, अब तुम्हें कल से आने की जरूरत नहीं है काम पर। इतना सर पर नहीं चढ़ा सकती मैं तुम्हें। हाँ, धीरे धीरे काम करती हो। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत कर। मैं कहाँ जाऊंगी अपनी तीनों पोतियों को कैसे पालूंगी बेटा, घर का खर्चा भी तो है। वो सब मैं नहीं जानती, आप जाइए, ये लो अपनी बची कुची 4 दिन के पैसे। जानकी बहुत रोती है, लेकिन शिवानी उसकी नहीं सुनती और काम से निकाल देती है। हफ्ता भर बीत जाता है, जानकी के घर बचा खुचा राशन भी खत्म हो जाता है, जिस वजह से 2 दिन बच्चों को भूखा रहना पड़ता है। फिर वो एक दिन मंदिर के पास आकर भंडारे का खाना खा लेते हैं, लेकिन फिर दादी और पोती भूखे थे, जिस वजह से वो रोड पर भीख मांगने के लिए मोहताज हो गए। हे भगवान, ये कैसे जिंदगी दे रहे हैं आप, थोड़ा तो हम पर रहम करिए। मेरी तीन तीन पोतियां भूखी हैं, ये दिन भी देखना पड़ेगा, पता नहीं था। दादी, आप ज्यादा फिक्र मत करिए, भगवान जी हमारी सुन लेंगे। दादी, भूख लग रही है। बेटा, सब्र रख, कुछ ना कुछ मिल जाएगा थोड़ी ही देर में हमें, और जो पैसे मिलेंगे उससे मैं तुम तीनों को अमीर वाला खाना खिलाऊंगी। अरे कोई भगवान के नाम पर दे दो, अरे बेटा मदद कर दो। अरे हटो हटो हटो, पता नहीं कहां कहां से लोग आ जाते हैं भीख मांगने। तभी वो आदमी दुत्कार कर चला जाता है। फिर सामने एक छोटा बच्चा सड़क पर भाग रहा था कि जानकी उस बच्चे को एक ट्रक के नीचे आने से बचाती है। तभी उस बच्चे के माता पिता आकर कहते हैं, मेरा बच्चा रोहन ठीक तो है ना? शुक्रिया अम्मा जी, आपने मेरे बच्चे को बचा लिया, वरना ना जाने आज क्या अनर्थ हो जाता। शुक्रिया अम्मा जी, अरे आपके पैर से तो खून निकल रहा है, आप हमारे घर चलिए। अरे बेटा ठीक हूँ मैं। अरे नहीं अम्मा, आप चलिए। ठीक है बच्चों, तुम भी आ जाओ। बेटा ये मेरी तीनों पोतियां हैं, इन्हें भी ले चलो। ये कहकर वो लड़का अपनी कार में सबको बिठाकर अपने घर ले जाता है, जहां वो दादी की मरहम पट्टी करता है और उन्हें खाना खिलाता है। इतना बढ़िया खाने को खाकर दादी पोती कहती हैं, अरे भाई ये खाना तो बहुत अच्छा है, कितने समय बाद, और ये सब तो पहली बार खाया है। शुक्रिया बच्चों, बड़े दिनों से हमने खाना नहीं खाया था, और ना ही मेरी पोतियों ने। शुक्रिया अंकल, ये बर्गर पिज्जा हमने पहली बार खाया है, हमारा बहुत मन था कि हम अमीर वाला खाना खाएं। सच में मजा आ गया, काश ऐसा खाना रोज खा पाते। आपका जितना मन करे उतना खाना खा लो। एक बात पूछूं, इनके मम्मी पापा नहीं हैं? हाँ बेटा, इनके मम्मी पापा नहीं हैं, इसीलिए मैं ही बोलती हूँ, पर अब मेरे पास काम नहीं है तो कुछ समय से खाने के लाले पड़ गए थे। आपको काम तलाशने की कोई जरूरत नहीं है, मेरा बहुत बड़ा होटल है, अगर आप चाहो तो उसमें देसी खाना बनवा सकते हो। हाँ बेटा, मैं जरूर करूंगी, मैं खाना बनाने में बहुत अच्छी हूँ, मुझे सारा खाना बनाना आता है। उसी दिन से जानकी साहिल के होटल में देसी खाना बनाती है, जिसकी उसे अच्छी खासी पगार मिलती है, और वो अपनी पोतियों को पालती है।
साथ ही अमीर खाना खाने का सपना भी उनका पूरा हो जाता है। इस तरह वो सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। दीदी, आप ऐसे लड़के से शादी कैसे कर सकती हो? आपने माँ बाबा जी को मना क्यों नहीं किया रिश्ते के लिए? हाँ दीदी, आपके होने वाले पति पता है कितने काले हैं। इतने काले इंसान के साथ आप कैसे रहोगी? हे भगवान, मुझे तो उन्हें जीजू कहने में भी बहुत शर्म आएगी। अरे ये सब तो बहुत दूर की बात है दीदी। आप जानती हो, आपके होने वाले पति शहर में रहने के बाद भी गवारों की तरह रहते हैं। उन्हें तो कपड़े पहनने का कोई भी सेंस नहीं है। अरे मेरी प्यारी बहनों, तुम मेरी इतनी चिंता क्यों करती हो? टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर इंसान दिल का साफ होना चाहिए, शक्ल से तो हर कोई साफ होता ही है। सलोनी की चारों छोटी बहन उसे शादी न करने के लिए बहुत समझाती है, लेकिन सलोनी उनकी एक नहीं सुनती। कुछ ही दिनों में सलोनी की शादी विक्रम से हो जाती है। विक्रम रंगत में काला था और उसका पहनावा थोड़ा सा देहाती था। शादी होने के बाद सलोनी अपने पति विक्रम के साथ उसके घर चली जाती है, जिसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन सलोनी की चारों छोटी बहनें फोन करके उससे कहती हैं, मुझे बहुत याद आ रही है आपकी दीदी, आप गाँव क्यों नहीं आ रही हो हमसे मिलने? अरे काले जीजू को बोलो कि वो आपको हमसे मिलने के लिए यहाँ ले आए। आपको तो उनके साथ आने में भी शर्म आएगी ना दीदी? तुम चारों कैसी बात कर रही हो? भला मुझे उनके साथ आने में क्यों शर्म आएगी? अभी उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए मैं आ नहीं सकती। क्यों ना तुम चारों एक काम करो, तुम चारों ही मेरे ससुराल में आ जाओ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ये सुनते ही पारुल बहुत एक्साइटेड हो जाती है और अपनी बहन से कहती है, दीदी हम चारों बहने आपसे मिलने के लिए आपके ससुराल में आ रहे हैं। चलो अब मैं फोन रखती हूँ, क्योंकि हमें पैकिंग भी करनी है। सलोनी की चारों बहनें पैकिंग करने के बाद अपनी बहन के घर पहुँच जाती हैं, जहाँ वो उसे देखते ही गले से लगा लेती हैं। एक दो दिन वो अच्छे से रहती हैं और एक दो दिन में विक्रम की तबीयत भी ठीक हो जाती है। एक दिन खाने की टेबल पर विक्रम बैठा हुआ अपनी चारों सालियों से कहता है, अरे तुम चारों जब से यहाँ आई हो एक बार ही बाहर घूमने नहीं गई हो, क्या तुम चारों बाहर घूमने नहीं चलोगी? विक्रम की बात सुनकर वो चारों एक दूसरे के कान में फुसफुसाने लगती हैं। इन काले सांड के साथ कौन जाना चाहेगा? लोग हमें इनके साथ देखेंगे तो कहेंगे कि पतासे के ऊपर कौवा मंडरा रहा है। कोयल की बात सुनकर वो चारों हंसने लगती हैं। ऐसे देखा जाए तो हमारे काले जीजाजी अमीर बहुत हैं। अगर चलेंगे तो खूब खर्चा करवा सकेंगे, फिर तो हमारा चलना बनता ही है। एक दूसरे के कानों में फुसफुसाने के बाद पारुल कहती है, हाँ जीजा जी, वैसे भी बहुत दिन हो गए हैं, हम कहीं अच्छी जगह घूमने नहीं गए, आप हमें घुमा कर लेकर आओ, साथ में दीदी भी चलेंगी। विक्रम उन चारों की बात मान लेता है, जिसके बाद वो अपनी चारों सालियों और अपनी पत्नी को एक साथ घुमाने के लिए ले जाता है, लेकिन उसकी चारों सहेलियां उससे दूर दूर होकर चलने लगती हैं। अरे सलोनी, आखिर इन चारों को हुआ क्या है? क्या इन्हें मेरे साथ चलने में शर्म आ रही है क्योंकि मैं काला हूँ? आप ही कैसी बातें कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बहनें ऐसी नहीं हैं। और फिर काले हो तो क्या हुआ, आपका दिल तो साफ है ना? सलोनी के ऐसा कहने पर विक्रम उसे गले से लगा लेता है और माथे पर उसे एक प्यारी सी किस देता है। ये सब पारुल, कोयल, मोना और शिल्पा देखकर मुंह बनाने लगती हैं। मुझे तो इनका समझ ही नहीं आता, दीदी ने पता नहीं इनके अंदर क्या देखा है, हमारे काले जीजा। मैं अगर शादी करूंगी तो एक हैंडसम से लड़के के साथ करूंगी, ऐसे काले कलूटे के साथ तो बिल्कुल नहीं करूंगी। वो चारों हंसने लगती हैं, जिसके बाद वो सिनेमा हॉल के अंदर भी अपने जीजा और दीदी से थोड़ा दूर होकर बैठती हैं। सिनेमा हॉल के बाद वो सभी एक क्लब में जाते हैं, जहां सभी लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। वहां डांस करते करते विक्रम अपनी चारों सालियों के पास आ जाता है। अरे कितना अच्छा माहौल है, आज तो मैं अपनी चारों सालियों के साथ डांस करूंगा। विक्रम ऐसा सोचकर उनके साथ डांस तो करने लगता है, लेकिन वो चारों एक एक करके वहां से गायब हो जाती हैं और कहीं और जाकर खड़ी हो जाती हैं। विक्रम वापस सलोनी के पास आ जाता है, उसे बहुत बुरा लगता है। कुछ ही देर में डीजे पर एक गाना बजाया जाता है, जीजा तू काला मैं गोरी घनी, ओ जीजा तू काला मैं गोरी घनी, फोटो खिंचवावे
फोटो खिंचवावे दोनों जाने, ओ जीजा जीजा तू काला मैं गोरी खनी। गाने पर चारों सालियां खूब नाचती हैं, जिससे बेचारे विक्रम को अपनी इंसल्ट महसूस होती है, लेकिन फिर भी वो अपनी चारों सालियों को कुछ नहीं कहता और शाम रहते वो वापस उन्हें घर ले आता। देखते ही देखते कुछ समय बीत जाता है। अब वो अपने जीजा से ज्यादा मतलब नहीं रखती और हमेशा उन्हें उनके रंगत और उनके पहनावे के ऊपर ताने कसने लगती हैं। इस बात से सलोनी को बुरा तो लगता है, लेकिन वो अपनी चारों बहनों को कुछ कह नहीं पाती, जिसके चलते वो विक्रम से कहती है, वैसे मेरी चारों बहनें अब बड़ी हो रही हैं, क्यों ना हम इन चारों के लिए भी रिश्ते ढूंढ लें? वैसे मैं एक घर जानता हूँ जहाँ चार भाई हैं, सभी सुंदर भी हैं और पैसे वाले भी। वहाँ मेरी चारों सालियाँ खुशी खुशी रह सकती हैं। सलोनी इस रिश्ते के बारे में अपनी चारों बहनों को बताती है, जिसके बाद वो चारों के चारों सुंदर लड़कों का नाम सुनते ही रिश्तों के लिए हाँ कर देती हैं। कुछ ही दिनों में उन चारों की शादी हो जाती है और वो शादी करके अपने ससुराल चली जाती हैं। लेकिन शादी के बाद वो धीरे धीरे अपनी बहन और अपने जीजा से मतलब रखना बंद कर देती हैं। दीदी आप मुझे बार बार कॉल मत किया करो और जीजा को कहो कि यहाँ बार बार आना जाना भी बंद कर दे। एक तो वो रंगत से ऐसे है, हमारे परिवार में मिलते जुलते भी नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता कि वो यहाँ पर आए। ये विक्रम फोन पर सुन लेता है, उसे इस बात का बहुत बुरा लगता है। उस दिन के बाद से विक्रम और सलोनी उन चारों से बात करना बंद कर देते हैं। लेकिन शादी के कुछ समय बाद से ही उन चारों के पति घर पर लेट नाइट आते हैं, रात भर पार्टियां करते हैं और उनसे मतलब भी नहीं रखते। ये सब क्या चल रहा है हमारी जिंदगी में? क्या देखो हमारे पति तो बाहर ही घूमते रहते हैं। सलोनी दीदी विक्रम जीजा के साथ कितना खुश रहती है और जीजा भी उनका कितना ख्याल रखते हैं। काश हमने भी अपनी दीदी की तरह सोचा होता और उनकी तरह गोरे रंग पर ना मरकर ऐसा इंसान ढूंढा होता जो प्यार भी करता और केयरिंग भी रहता। धीरे धीरे उन चारों के पति उनसे कोई वास्ता ही नहीं रखते, मानो जैसे घर में फॉर्मेलिटी के लिए उनसे शादी कर ली हो। वहीं दूसरी तरफ एक दिन उन चारों को अपने पतियों की गर्लफ्रेंड के बारे में पता चल जाता है, जिसके चलते उन्हें बहुत दुख होता है और वो रोते हुए अपनी दीदी और अपने जीजा के पास आ जाते हैं। माफ कर दो जीजा जी, हमें हमने आपके साथ बहुत बुरा किया, उसी की सजा हमें मिल रही है, हमें अपनी गलती का एहसास है। अपने पतियों की सुंदरता तो देखी लेकिन उनका दिल नहीं देखा, जैसे दीदी ने आपका दिल देखा था। काश हमने भी ऐसा ही किया होता। उन चारों को अपनी गलती का एहसास होते हुए देख विक्रम उन चारों से कहता है, तुम चारों को अपनी गलती का एहसास है, मेरे लिए इतना ही काफी है। तुम चिंता मत करो, तुम चारों के पति को मैं लाइन पर लेकर आऊंगा। विक्रम अपने चारों सालियों की जिंदगी ठीक करने के लिए उनके चारों पतियों से बात करता है और उन्हें आखिरी धमकी देता है, जिसके चलते वो चारों विक्रम की बात मान लेते हैं और अपनी पत्नियों के साथ अच्छे से रहने लगते हैं।